इसमें ये डिफरेंस है कि झलक में सब सेलिब्रिटीज थे जिनको हम जज करते थे, उनकी एक अलग जर्नी होती थी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे थे जिन्होंने डांस सीखा नहीं था और झलक पे पहली बार उन्होंने डांस करके देयर जर्नी वेयर अ नॉन डांसर बिकेम अ डांसर। लेकिन यहाँ पे इट्स द कॉमन मैन, और कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया कि कॉमन मैन के साथ मैं जुड़ सकती हूँ, उनके साथ बातें कर सकती हूँ, उनके साथ यू नो इंटरेक्ट कर सकती हूँ। और उनकी जर्नी है कि वो हैं डांसर्स, पैशनेट डांसर्स हैं जिन्हें जिन्होंने अपने रियल लाइफ में इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, जहाँ फैमिलीज ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है, वो अकेले हैं बिल्कुल, लेकिन डांस के लिए इतना पैशन है कि वो उस पैशन को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे लोग हमारे शो पे हैं और उनसे जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ, उनका डांस देखती हूँ, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। उनकी स्टोरीज हैं, उनके एक अलग बैकग्राउंड है, और आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी फैसिनेटिंग, और मैंने सोचा कि इट विल बी अ ग्रेट शो। इट्स आल्सो गोना ऐड टू द होल लेवल ऑफ द शो गोइंग अप। वी वेरी हैप्पी दैट that's available to us on this. That will also make one differentiator for the show. एक अपनी एक स्टाइल बनाई थी, सो बहुत सारे क्रिएटिव चीजें हमें देखने मिली और वो आगे भी आपको देखने मिलेंगी। मेरा सवाल आप तीनों जजेस पे है, आप तीनों की ब्रांड एकेडमीज हैं और आप खासतौर पे टेरेंस जी ने तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है। अगर ये डांस शो खत्म होने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि उनको थोड़े से उनको पॉलिश करने की जरूरत है, तो क्या आप लोग बच्चों की हेल्प करेंगे? Absolutely. Actually, sure. Possibly go ahead. Okay. Firstly, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिले जो raw थे. Generally, format क्या है कि raw बच्चों को भी लेकर we show their journey. But so we think कि you can dance का level इतना high है that we couldn't let them go to the audition because बहुत सारे talented बच्चों को फिर वो slot नहीं मिलती. So when I saw that potential, many times in the audition you will see कि मैंने offer किया है, taken their numbers. और जो वादा करता हूँ मैं पूरा करता हूँ। I'm very particular about that. So I made sure I took the number. I have called them already. I have told them because हमारे institute में I don't teach open classes. I don't have any branches and I don't have any franchises. I do not teach anywhere in the world, not even in a city. There's only one place where I teach, and it's a Terrence Lewis Professional Training Institute where we teach only professionals. तो उनको मैंने एक professional training certificate program भी institute किया है, और हमारे जो top 20 जो select हो जाएंगे हर हफ्ते दे विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड बिकॉज दे डोंट हैव वोट्स। आई पर्सनली फील दैट देयर जर्नी शुड कंटिन्यू, सो आई हैव टेकन द जिम्मेदारी दैट आई एम गोइंग टू टेक अब्सॉर्ब ऑल दोस टॉप 18 19 डांसर्स हु गेट एलिमिनेटेड इनटू माय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर दे विल गेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग दैट अलाउज देम टू गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर इन द डिप्लोमा कोर्स, बिकॉज आई हैव अ डिप्लोमा कोर्स इन मुंबई व्हिच इज द ओनली वन इन इंडिया एंड इन मुंबई, एंड दे विल गेट अपॉर्चुनिटी टू कैन ऑल्सो नो कंटिन्यू विद देयर डांस ट्रेनिंग so they get international exposure eventually. Aajkal bahut sare choreographers jo nikle hain and who are also in many other competition level shows, they have all trained from the institute, so we're very happy to supply more people from the industry of a certain level and quality. Boss, we want to add here? I think once they finish training with Terrence, the films are all yes, so what happens is I don't have any place to give them jobs. They go to Bosco and many other choreographers. Yeah. And we'll make them larger than life. So you think you can dance gives them that platform. And who knows, we also, some of the auditioners who didn't make it through, इस बार कई सारे थे, we felt कि अगर थोड़ी बहुत training मिल जाती, they could have gone ahead. So हमने बहुत सालों को छाटा and we filtered them to the top 93 and then to the top 93, 40, 40 to 20, it was a long tedious process. Let me tell you one more thing. इतने सारे shows मैंने judge किए हैं, so you think you can dance had just too many audition levels. It was crazy, they had to go through, I really felt कि ये क्या what kind of levels they had to go through. They had choreography round, they had their own choreography round, they had their solo round, they had four levels of screening. But I think that was nice then. And it was nice because they went through that too process. Good. It was a difficult choice to make. So in a way, it was tough for the dancers. But those who didn't get selected also, I'm telling you, they were phenomenal. And I'm so excited. I'm very excited because I want to take those dancers who didn't get selected and present.
present them next year and showcase them, and many of them are classical dancers who were not able to handle other styles. I want to take certain classical dancers, train, make them versatile, and make sure that one day they will be also my winners. And that's my challenge. Hi, Madhuri. Over here. See, I cannot just stand because there is camera behind, so I will just sit. No problem. So, Madhuri, since you are a dance diva, you have been called the most versatile dancer of the Bollywood. So, what's the reason you would like to mention why you selected NTV to just come on the NTV? I think it's not the TV, or it's, of course, NTV is very popular. Or the programs are very good. Lekin, so you think you can dance? Iski jo matlab jo values it brings to dancing, jis tarike ka show hai, jo standard ka show hai, I was very taken in by it. और मैं US में 10-12 साल थी, तो वहाँ पे भी मैंने show को follow किया था, तो मुझे पता था कि इस show पे बेहतरीन dancers आते हैं. और क्योंकि dancing मेरा passion है, मुझे लगा ये show मेरे लिए बहुत appropriate रहेगा, और इसीलिए किया. Terence, Madhuri, and this question is with all three of you, Terence, Madhuri ji, and Bosco. So Bollywood industry is one of the biggest industry in the world now. So where do you see Bollywood dancers in the international arena? Well, whenever we perform or whenever I'm shooting out abroad, the only songs that I've enjoyed and played are the Bollywood songs. And the way they dance, they just feel free. So I think the kind of impact that Bollywood has, it's all over the world, and we can feel that. So this is the best platform, and we can just spread out love through dancing. Not just that, वहाँ के भी जो dancers हैं, उनको एक week हमेशा हफ्ता आता है जहाँ उनको Bollywood dancing करना पड़ता है. So I think Bollywood dancing is very, very popular. It's huge. Hello. Ritvik, hi. Hello. Ritvik, एक चीज जाननी थी आपसे, जब माधुरी जी एंड टीवी पर हैं. तो कितना दिल आपका धक-धक करता है? आपका सवाल बड़ा पेचीदा है. माधुरी जी एंड टीवी पर है तो मेरा दिल कितना धक. माधुरी जी कोई भी टीवी पर हो मेरा दिल धक-धक करता है. जी, मैं एक्चुअली अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपने सुई थी क्रिकेट डांस क्यों कोशिश करना चाहा, तो इट्स ओनली एंड ओनली फॉर माधुरी. जी हेलो, मेरा सवाल. हेलो, हाँ पूछिए. मैं पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछ रही हूँ. पहला सवाल भाई है, तुम्हें आप पांचों से हैं, स्टेज पर पांच लोग हैं जो डांसर डांस जिन्होंने सीखा है और डांस नहीं आते. जब आप लोगों ने शुरू किया था डांस सीखना, और आज क्योंकि बहुत अवेयरनेस हो चुकी है, बहुत सारे रियलिटी शोज आ चुके हैं, आपको क्या लगता है लोगों की परसेप्शन में कितना चेंज आया है, कितना रिस्पेक्ट एक किस्म से बढ़ी है? और दूसरा सवाल ये है कि जो तादाद इतनी सारी, बहुत सारे रियलिटी शोज एक साथ आने लगे हैं, लास्ट अभी थोड़े दिन पहले तीन रियलिटी शोज डांस के एक साथ चल रहे थे, तो आप एक ही देख सकते हो, तो ये तादाद इतना सारा होना कितना बेहतर है डांस के लिए या कमतर है? सो फर्स्टली आपका दूसरा जो सवाल है, इट आंसर्स द क्वेश्चन कि इतने सारे लोग देख रहे हैं और इतने सारे शोज चल रहे हैं, इट मींस डांस इज बिकमिंग पॉपुलर क्लियरली. और उसकी एक वजह है कि रिस्पेक्ट मिल चुका है डांस को. And also there are a lot of opportunities for dance. एक ज़माना था कि अगर dance सीख क्या कर सकते हैं. Now it's a means of livelihood. There are various careers, either in the Bollywood industry, either in the teaching industry, either in the choreography, or you can also be an artist. So there are so many options available. Plus there's television shows where जहाँ पे एक you know एक अंजाम इंसान को पहचान मिलती है. So that is a very very key reason why a lot of people have realized that there is respect, there is value. और वहां जाकर उनका एक स्टेपिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है. बहुत लोग पूछते हैं कि इस शो के बाद क्या. लेट मी टेल यू दैट मेनी पीपल हु हैव बीन विनर्स और हु हैव आल्सो जस्ट बीन पार्टिसिपेंट्स, द नंबर ऑफ वर्कशॉप्स दे कंडक्ट, जो वहां पे 2000 कमाते हैं, नाउ दे कंडक्टिंग 20 एक दिन में 20,000 उठा लेते हैं. सो देयर लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड. दे वुड दैट उनका जो नेम और फेम है, दैट आल्सो हैज गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी. सो आई फील इन अ वेरी बिग वे दैट television has really changed and done a lot for dance, and I want to really thank that, because otherwise there would have been no awareness and no respectability. So thank you for that. Television has done a huge
a huge thing for dance. So I'm really grateful for that, because there was a time where we had to struggle to convince our parents. Today I know the parents hate their children. Ja, dance class, ja. So the whole perception has changed today. And there's a lot of value for it. And people have appreciated the hard work it takes to become a good dancer. So that's great. नई भाभी जी को एनडीवी पर लाना। To accept the show, I think so. There was no one better who could judge the show. She gives us the credibility and the gravitas for the show. Terence and Bosco are legends in their own right. I think so. We couldn't have asked for a better panel to judge this particular show. So we are extremely happy and thankful to the entire set of jury. As far as your second question is, Bhabhi ji, who are we talking about? And I would say, you are asking me, and Bhabhi ji and Madhuri ji are doing it. Okay, thank you. My question to Madhuri ma'am is, what is the word you're going to change for the word perfect? But I have perfect questions पूछा आपने। पता है वो perfect भी ऐसे हो गया था, करते 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 हो गया हो। तो कुछ ना कुछ आएगा ही। Because जितने भी यहाँ contestants हैं हमारे show पे, they are so inspiring। कुछ ना कुछ inspiring हो ही जाएगा। Once we start shooting. Alright everybody, thank you so much for all your questions and being here. And give your judges one more time, everybody, make some noise, come on! Alright, and before we move on, I would like to thank our sponsors, the presenting sponsors, Maruti Suzuki Auto K10, Style Partner Yepi.com, powered by Chick Secret, Snack Partner Priya Kulhanga, and associate sponsor is Fruity and Chilek Matre, everybody. So, in a little while, yes, in a little while, we'll be open to one-on-one sessions, so everybody, make sure you don't miss that. मतलब हमसे किसी ने पूछा कि सो यू थिंक यू कैन डांस? ना, हमें तो हर बार किसी ने देख के बोला वाह यू थिंक यू कैन डांस, यस यू कैन. और मोनी को मैंने देख के बोला था कि यस शी कैन डेफिनेटली डांस. आई थिंक स्ट्रीट, ऑफ कोर्स स्ट्रीट डांस में सबसे फेवरेट डांस है गणपति डांस. In street dancing? Street dancing mein Prabhu Deva, yes, definitely what he does. But internationally bahut sare hain aise. Travis is one of my favorite, jo So You Think You Can Dance ke almost win. He was, but I like him. Yeah. Travis mere, inhone dancer pucha, to Travis mujhe bade acche lagte hain as a dancer. So haan, yeah. Bahut difficult hai, inko pata hai. Main kitni nervous rehti hu, but I would like to say that
that he is a very, very helpful co-host, and he actually teaches me a lot of stuff, so I'm learning a lot from you. So, and thank you for being genuinely nice. Bahut saare log pretend hote karte hain par hote hain. Thank you. I'd like to thank my mom, my dad for giving me birth and giving me the opportunity. Thank you very much. यार उससे बेहतर मोमेंट कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि माधुरी मैम कभी बोलती नहीं है, हमें ही बोलना पड़ता है, मैम प्लीज हमारे साथ डांस कर लो। मैं बहुत इंटरेस्टिंग शेयर करूंगी, मैंने झलक का जो सीजन किया था तो माधुरी मैम को देखिए, मैं हर वीक बोलती आई वांट टू डांस विद हर। एक बार भाई उन्होंने एक्चुअली मेरे साथ डांस किया, आई स्टॉप एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर, बिकॉज जब माधुरी मैम वहाँ डांस कर रही होती है तो आप उनके साथ नहीं डांस करना चाहते, आप रुक के उनको देखना चाहते कि वो क्या करती है। यहाँ पे मुझे कोई क्यों बोलेगा कि नागिन डांस कर रहा है, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। इनसे जिस जिसने नागिन की बात की, इन्होंने अपना इच्छाधारी रूप बदल के निकल लेना है सेट से बाहर, तो हम कोई बात ही नहीं करता नागिन की इनके बारे में। सॉरी, इनको सारे फॉर्म ऑफ डांसिंग आते हैं ऑलरेडी, आई डोंट हैव टू टीच हिम एनीथिंग। यस, वेरी गुड। हाउ डू वी ब्रिंग, आई थिंक देखिए हर शो की अपनी एक अलग फ्रेशनेस होती है, सो वी थिंकिंग डांस सबसे बड़ा मंच है, इट्स द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल, और आई थिंक इसमें फ्रेशनेस यही बात है कि सो वी थिंक यू कैन डांस इंडिया आ रहा है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम टीम स्टेज टीम स्ट्रीट दोनों को मिलाकर व्हाट वी ब्रिंग टू द स्टेज व्हाट वी ब्रिंग ऑन टू द टेबल हैज टू बी समथिंग जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो यू थिंक यू कैन डांस? यस वी कैन। Yes, we can. Dance. We can. Thank you so much. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you.